देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के बीच पूर्णिया में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं नामांकन से ही विपक्ष के बीच मतभेद की स्थिति भी देखी जा रही है। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट पर RJD की टिकट से चुनाव लड़ने वाली है। वहीं NDA गठबंधन के तहत JDU के टिकट से संतोष कुमार कुशवाहा को पूर्णिया लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस चुनाव में निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कैची चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव का चुनाव प्रचार महागठबंधन पर कितना असर डालता है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर अगर हम नजर डालें तो JDU उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा को इस सीट पर 6,32,924 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 3,69,463 वोट मिले थे। 18,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाकर उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। संतोष कुमार कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 2,63,461 वोटों से हराया था। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अगर हम वोटरों की कुल संख्या की बात करें तो वो है 13,05,396, जिनमें से 6,88,182 पुरुष वोटर हैं, जबकि 6,17,214 महिला मतदाता हैं। पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है कि मतदान होना है, जबकि मतगणना की अगर हम बात करें तो वो 4 जून को होगी। तो इन दोनों प्रत्याशियों में आपको क्या लगता है कौन मारेगा बाजी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।